Good morning, students. Myself, Kritika. I'm lecturer at EC department in Meherchand Polytechnic College, Jalandhar. Before starting my lecture, I would like to give you some of the instructions regarding COVID-19. And these precautions or instructions has been given by our Chief Minister under Mission Fateh. That is, wash your hands, maintain social distance, and wear mask. I hope you all are safe and healthy at your home place. Now coming towards my lecture, our today topic is color picture tube. अभी तक हमने प्लम्बिकॉन और विडिकॉन के बारे में पढ़ा है, वो भी एक तरह की पिक्चर ट्यूब या उसको हम कैमरा ट्यूब्स भी बोल देते हैं। अब हम पढ़ेंगे कलर पिक्चर ट्यूब के बारे में। कलर पिक्चर ट्यूब में जो हमारा सिंपल, जैसे हमने सीआरटी ट्यूब्स के बारे में पढ़ा था या मोनोक्रोम ट्यूब के बारे में पढ़ा था, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि मोनोक्रोम जो पिक्चर ट्यूब होती है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गन होती है और एक ही कैथोड होती है। सो एक ही इलेक्ट्रॉन गन और एक ही कैथोड होने की वजह से उसमें से एक ही कलर जो है वो निकल पाता है जब हमारा इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल, यानी जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं कैथोड से या इलेक्ट्रॉन गन से, जब वो सिग्नल एमिट हो रहा है या उसमें से सिग्नल पास हो रहा है और कॉरस्पॉन्ड हमारी स्क्रीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम बोल देते हैं कि सिग्नल प्रेजेंट है, यानी कि हमारा सिग्नल जो है वो पिक्चर जो है हमारी स्क्रीन के ऊपर डेवलप होगी। और जब हमारा सिग्नल या हम सप्लाई नहीं देते और इलेक्ट्रॉन गन में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हो रहे, तो हम बोल देते कि यहाँ पे सिग्नल प्रेजेंट नहीं है। तो दैट मीन्स वो ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए उसको मोनोक्रोम बोला गया। दैट मीन्स सिंगल कलर, जब इलेक्ट्रॉन गन में से इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं तो वो सिंगल कलर प्रोड्यूस कर रहा है। वेयर एज अगर हम कलर पिक्चर ट्यूब की बात करते हैं तो इसमें हम थ्री गन्स को यूज़ करते हैं या थ्री कैथोड्स को यूज़ करते हैं, और जो हमारे प्राइमरी कलर्स हैं दैट इज़ रेड, ग्रीन एंड ब्लू, इन तीन कलर्स की गन्स जो हैं हम इसमें लगाते हैं। सो तीन गन्स जब हम इसमें लगाते हैं तो आगे वो रेड, ग्रीन और ब्लू तीन कलर के कलर्स को एमिट करता है। डिपेंड करता है हमने इनकी इंटेंसिटी कितनी रखनी है, अगर रेड को ज़्यादा इंटेंसिटी देनी है तो या ब्लू को देनी है, या सिर्फ एक ही सिंगल कलर हमें रेड ही स्ट्राइक कराना है, या तीनों के तीनों इक्वल प्रोपोर्शन में स्ट्राइक कराने हैं। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा कलर जो है वो स्क्रीन के ऊपर चाहते हैं। सो इसमें यहाँ तीन इलेक्ट्रॉन गन्स लगी हुई हैं, ये एक्सलरेटिंग ग्रिड लगी हुई है। एक्सलरेटिंग ग्रिड हमें पता है जो हमारे सिग्नल, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे एमिट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन गन से, ये उसकी स्पीड को फास्ट कर देता है, तो उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। और फोकस ग्रिड क्या करता है, ये ध्यान में रखता है कि जहाँ पे जाके हमारा स्पॉट स्ट्राइक करना चाहिए, हमारी बीम जो है वो इतनी कोहेरेंट होनी चाहिए कि वो पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके ही स्ट्राइक करे। तो ये फोकस ग्रिड क्या करता है, ये हमारी बीम को फोकस करता है, कोहेरेंट करता है। उसके बाद ये हमारी यॉक्स कॉइल्स लगी हुई हैं, जो डिफ्लेक्शन कॉइल्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल। देन ये हमारा हाई वोल्टेज एनोड है, इधर कैथोड है। हमारी जो इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है वो इस तरफ को इसीलिए जाती है क्योंकि ये हमारा यहाँ पे पॉजिटिव एनोड लगा हुआ है। सो हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो ऑपोजिट चार्जेस है तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसीलिए वो हमारी बीम जो है वो इस तरफ को आती है। इसके अलावा हमारे पास एक ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, इसको हम शेडो मास्क बोलते हैं, और ये फॉस्फरस कोटिंग की हमारी स्क्रीन है जिसके ऊपर स्ट्राइक करने से हमारा बीम जो है वो लाइटन अप हो जाता है। ओके, अब हम यहाँ पे बात करेंगे तीन पिक्चर ट्यूब्स की। डेल्टा गन कलर पिक्चर ट्यूब, गन इनलाइन और प्रोसीजन इनलाइन कलर पिक्चर ट्यूब, सिंगल गन प्रिंट ऑन पिक्चर ट्यूब और प्रोसीजन इनलाइन कलर पिक्चर ट्यूब। ये तीन तरह के पिक्चर ट्यूब्स हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास डेल्टा गन, प्रोसीजन इनलाइन और प्रिंट ऑन पिक्चर ट्यूब आती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डेल्टा गन कलर पिक्चर ट्यूब की। इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास तीन सेपरेट गन्स होंगी तीन कलर की, और वो जो गन्स हैं वो आपस में 120 डिग्री स्पेस पे प्लेस्ड होंगी। स्क्रीन जो है वो तीन डिफरेंट फॉस्फरस कलर्स के साथ कोट करी हुई है, रेड, ग्रीन और ब्लू। ट्रायड, जिसको हम थ्री कलर्स बोलते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू को हम ट्रायड बोल देते हैं, वो ट्रायड जो है वो एक डॉट क्रिएट करेगा ईच कलर का। इसमें 333,000 ट्रायड्स हैं,
I integrate three color information to give a sensation of combination hue. Three colors की जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास जब आईज रिसीव करती हैं तो उनके सेंसेशन के कम्बिनेशन से जो है वो ह्यू बनता है, जो डिफरेंट कलर से बनता है. इसमें एक शेडो मास्क है, एक होल है पर ट्रायड, एक होल है, और 80% जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे मास्क पे कलेक्ट हो जाते हैं और हमें हायर EHT चाहिए, मतलब हाई जो है वो टेंशन वोल्टेज चाहिए, हाई टेंशन वोल्टेज. अब ये हमारी डेल्टा गन कलर ट्यूब है, इसकी जो आप ये देख रहे हो इसमें आप देखो कि 120 डिग्री के डिफरेंस पे, 120 डिग्री एंगल के डिफरेंस पे जो है हमारी तीनों गन्स लगी हुई हैं. और ये हमारी ट्यूब की नेक है जहाँ पे हमारी गन्स लगी होती हैं. नॉर्मल हम जब CRT ट्यूब्स या नॉर्मल ट्यूब की बात करते हैं तो वहाँ पे जहाँ पे हमारी गन्स लगी होती है वहीं पे ये गन्स हैं तीनों, लेकिन इन दो तीनों में जो डिफरेंस है वो 120 डिग्री का है. अब ये 120 डिग्री का जो डिफरेंस है, जब यहाँ से हमारी इलेक्ट्रॉन्स निकलती है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, तो वो एक पर्टिकुलर होल से पास होती है और इसको हमने शेडो मास्क बोला है. ये शेडो मास्क की अलग अलग शेप है अलग अलग कैमरा ट्यूब में. इस पर्टिकुलर डेल्टा गन कैमरा ट्यूब में हमारी जो ये शेडो मास्क है इसमें होल्स हैं और एक होल से तीनों कलर्स निकलते हैं और वो जाके जब हमारी नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर टकराते हैं तो वो पर्टिकुलर फॉस्फरस स्क्रीन के ऊपर टकराते हैं और वो डिपेंड करता है कि कौन से कलर की कितनी इंटेंसिटी है, उसके अकॉर्डिंग वो कलर प्रोड्यूस करते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर. यहाँ से आप देखो ये हमारे रेड ग्रीन और ब्लू, ये इलेक्ट्रॉन गन्स ने वहाँ से कलर इलेक्ट्रॉन्स को पास किया. इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारे शेडो मास्क या जिसको हम अपर्चर भी बोल देते हैं, जिसमें राउंड अपर्चर्स हैं यानी होल्स हैं, यहाँ से हमारे जो बीम है निकल के वो इस फॉस्फरस स्क्रीन के ऊपर टकराती है और ईच स्पॉट वो क्रिएट कर देती है, जिससे वो ब्लू कलर यहाँ पे आएगा, ग्रीन यहाँ और रेड यहाँ, तो 120 डिग्री का शिफ्ट आ जाता है इसमें. सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, तीन कैथोड्स हैं रेड ग्रीन एंड ब्लू, यानी तीन इलेक्ट्रॉन गन्स हैं. यहाँ से जब हमारे कलर्स निकल रहे हैं आगे ग्रिड्स लगी हुई हैं, डिफ्लेक्शन कॉइल्स लगी हुई हैं, शेडो मास्क है, हाई वोल्टेज एनोड है और फॉस्फरस स्क्रीन है. अब अगर हम चाहते हैं कि इनमें से हमारा कलर जो है वो पर्टिकुलर कलर जो है वो वहाँ पे जाके स्पॉट करे, तो हम एक सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग जो हमने पढ़ा था पहले वो वाला मेथड यूज़ करते हैं. तो उसमें से क्या होएगा, अगर हमें ग्रीन कलर चाहिए तो हम रेड और ब्लू को माइनस कर देंगे, रेड कलर चाहिए तो हम ग्रीन और ब्लू को माइनस कर देंगे, एंड ब्लू कलर चाहिए तो हम रेड और ग्रीन को, इसके कॉरेस्पॉन्ड हम इस तरह से कलर्स को जनरेट करके फर्दर उसको आगे सेंड कर देते हैं और वहाँ पे जाके वो जब स्ट्राइक करता है फॉस्फरस स्क्रीन के ऊपर तो वो कलर क्रिएट करता है. अब ये डेल्टा गन कलर पिक्चर ट्यूब के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि इसमें कन्वर्जेंस डिफिकल्ट है. वो इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि आप यहाँ पे देखो शेडो मास्क में हमने होल्स क्रिएट करे हुए हैं. ये राउंड अपर्चर है जो हमारा, ये राउंड अपर्चर के कारण यहाँ पे कन्वर्जेंस डिफिकल्ट हो जाती है. कई बारी पर्टिकुलर होल से सारे के सारे कलर्स एमिट नहीं कर पाते जिसकी वजह से कन्वर्जेंस में प्रॉब्लम आती है. दूसरा, वेरी इलेबोरेट अरेंजमेंट टू ओवरकम इट, काफ़ी सारा अरेंजमेंट, इलेबोरेट अरेंजमेंट मतलब जो डिफिकल्ट अरेंजमेंट यहाँ पे लगाया हुआ है क्योंकि हमने होल्स को यहाँ पे शेडो मास्क में रखा और होल्स जो हैं वो बहुत छोटे छोटे होल्स हैं, तो हमें एक बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर एक अरेंजमेंट या सर्किट चाहिए कि वो पर्टिकुलर होल से वहाँ से पास कर सके. इसीलिए बहुत एलैबोरेट अरेंजमेंट हमें चाहिए. यहाँ पे फोकस जो है वो भी इतना शार्प नहीं है इंटायर स्क्रीन के ऊपर. फोकस और कन्वर्जेंस प्लेन्स जो है वो शार्प नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि वो 120 डिग्री से सेपरेट करे हुए हैं और वो ज़रूरी नहीं है कि वो 120 डिग्री जो है वो प्रॉपर प्रसाइज हो या एक्यूरेट हो. और मार्क स्पेसिस जो हैं वो सिर्फ 20% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही पास करने देता है. सो ये कुछ डिफ़िकल्टीज हैं जिसकी वजह से हमने डेल्टा गन को इतना यूज़ नहीं करते अब हम. और अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल अगर देखेंगे डेल्टा गन की, तो आप यहाँ पे देखो ये डेल्टा गन पिक्चर ट्यूब है हमारी. इसमें क्या हो रहा है, डेल्टा गन कलर पिक्चर ट्यूब में हमने थ्री गन्स लगाई हुई हैं, सेम वो 120 डिग्री जो है वहाँ पे डिफरेंस है. अगर हम इसको पढ़ते हैं तो क्या है, डेल्टा गन कलर पिक्चर ट्यूब में थ्री सेपरेट गन्स हैं जो 120 डिग्री एक दूसरे से स्पेस की हुई हैं
और उनकी जो तीनों की वेलोसिटी है दैट इज 25 किलो वोल्ट, उनको हमने किलो वोल्ट हमने उसको सप्लाई दी हुई है जिसकी वजह से उनकी हाई वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन बीम्स की। और इनको एक ट्रायंगल पे, ये इस तरह के ट्रायंगल पे माउंट किया हुआ है, इसीलिए हमने इसको डेल्टा गन पिक्चर ट्यूब बोला। और ये जो गन्स हैं ये स्लाइटली टिल्टेड हैं एक्सिस की तरफ, दीज गन्स आर स्लाइटली टिल्टेड इनवर्ड्स टू द ट्यूब एक्सिस टू मेक द बीम कन्वर्ज नियर द फेस प्लेट, एक्सिस की तरफ वो कन्वर्ज है ताकि वो जब होल में से निकले तो वो हमारी फेस प्लेट जो हमारी फॉस्फोरस स्क्रीन है उसके ऊपर प्रॉपर बीम जो है वो कन्वर्ज करें। और ये तीनों जो हैं ये गन्स जो हैं वीडियो सिग्नल्स रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती हैं, ब्लू रेड और ग्रीन कलर की। ईच गन जो है हमारी इस ट्यूब में वो सेपरेट करी हुई है, सेपरेट कैथोड्स इसमें लगे हुए हैं, कंट्रोल ग्रिड लगी हुई है, एक्सेलरेटिंग ग्रिड और फोकस ग्रिड है। अब जो शेडो मास्क की हम बात कर रहे थे, ये हमारा शेडो मास्क है। ऑन द स्क्रीन देयर आर अबाउट 1 million डॉट्स ऑफ फॉस्फर इन ग्रुप ऑफ थ्री। अब यहाँ से जब हमारा सिग्नल आ रहा है तो वो ग्रुप ऑफ थ्री में यहाँ पे ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ डॉट्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट। दीज आर डिपॉजिटेड ऑन द बैक ऑफ द फेस प्लेट, ये हमारी फेस प्लेट है, इसके बैक पे ये डिपॉजिट होते हैं, ये हमारी फेस प्लेट है और इसके बैक पे हमारे सिग्नल्स जो है जाके वो डिपॉजिट होते हैं। और ईच डॉट जो है ये 0.42 millimeter डायामीटर में है और इसकी जो स्पेसिंग है वो 0.72 millimeter की है। बेसिकली ये शेडो मास्क है क्या, एक तरह की एक मेटल शीट है जो हमने ट्यूब के आगे लगाई हुई है जिसको हमने शेडो मास्क बोला। द मास्क हैज वन कॉनिकल होल फॉर एवरी फॉस्फर डॉट, हर डॉट के लिए कॉनिकल होल है आगे, और होल इज कॉनिकल टू प्रिवेंट एमिशन ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, ताकि जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रॉपर जो यहाँ पे कोहरेंट बीम नहीं क्रिएट करेंगे और जो स्प्रेड होएंगे हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इसके पीछे जो होल्स में से नहीं निकल पाएंगे और टकरा के वापस जाएंगे, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने ये जो होल्स हैं ये कॉनिकल रखे हुए ताकि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस होल में से पास ना हो सके। शेडो मास्क को हमने बेसिकली एक शील्ड की तरह यूज़ करा है ताकि वो करेक्टली जो है यहाँ से निकल के हमारे स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करे। सो जो ट्रांसपेरेंसी है शेडो मास्क की वो 20% है और रिमेनिंग 80% जो है उसमें से करंट डिसिपेट करता है हीट लॉस की फॉर्म में। इसीलिए हम कहते हैं कि जो कलर पिक्चर ट्यूब है उसको हायर एनोड वोल्टेज चाहिए और लार्जर बीम करंट चाहिए मोनोक्रोम ट्यूब के कंपैरेटिवली। और ये मटेरियल्स यूज़ करे हुए हैं फॉस्फरस मटेरियल में। अब इसकी वर्किंग हो कैसे रही है, अगेन जो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि एक ल्यूमिनेंस सिग्नल, ये जो वाई लेते हैं हम ये ल्यूमिनेंस सिग्नल को लेते हैं, ल्यूमिनेंस सिग्नल में से हम सिग्नल माइनस कर देंगे जो हमें नहीं चाहिए। द सिग्नल वोल्टेज सब्ट्रैक्ट्स फ्रॉम ईच अदर टू डेवलप कंट्रोल वोल्टेज। बाकी फंक्शंस हमें सबको पता है कि कौन सी ग्रिड्स किस लिए यूज होती हैं, डिफ्लेक्शन कॉइल किस लिए यूज होती है, बाकी फंक्शनिंग इसकी सेम है। अब इसके डिसएडवांटेजेस पे आते हैं, इन बिटवीन हमने इतनी डिटेल में नहीं करना इसको। इसकी डिसएडवांटेजेस पे आते हैं तो इसका ड्रॉबैक अगेन वही है कि ये सेम लाइन में नहीं है तो फोकस शार्प नहीं है। इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो 20% है, 80% जो है बीम, 80% ऑफ बीम्स आर स्टॉप्ड फ्रॉम स्ट्राइकिंग द फॉस्फर डॉट रिजल्टिंग इन पुअर एफिशिएंसी। कन्वर्जेंस जो है इसकी डिफिकल्ट है, इसमें स्टैटिक एंड डायनेमिक मैग्नेट्स असेंबली की ज़रूरत पड़ती है ताकि कन्वर्जेंस प्रॉपर हो सके। आई होप आपको डेल्टा गन ट्यूब क्लियर है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।